हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स रियल लर्निंग। और आज का जो वीडियो है शब्द भेद के बारे में है। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार है। एक तो हो गया उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार, दूसरा हो गया व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा हो गया शब्द प्रयोग और चौथा हो गया अर्थ के आधार पर। जो उत्पत्ति के आधार या स्रोत के आधार पर वर्ग के, इसके भी चार भाग है, तत्सम, तद्भव, देशज और देशज। जो व्युत्पत्ति या रचना के आधार हो, उसमें ये हो गए, इसके तीन प्रकार हो गए। एक तो क्या रूढ़, योजक, योगरूढ़। और रूप और प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से हैं, विकारी और अविकारी। और अर्थ के आधार पर चार प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी व विलोम शब्द। तो फर्स्ट हो गया स्रोत इतिहास के आधार पर। फर्स्ट हो गया तत्सम, जैसा कि यहाँ पे है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूढ़, योगिक, योग रूढ़। तो योग्य डिटेल्स है इसके बारे में। स्रोत या इतिहास के आधार पर तत्सम हो गया। तत्सम कहते हैं तद्धन शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश आदि। तत्सम शब्द होते हैं जिसका प्रयोग क्या संस्कृत के ऐसे जिसे जिसका जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। दूसरा हो गया तद्भव। तद्भव, तत् धन भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द के, जो संस्कृत प्राकृतिक अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, तिनका, तीता, दातुन, चमड़ा आदि तद्भव शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर या परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आकाश, तीता, तिनका, दातुन, चश्मा, चमड़ा आदि, ये तद्भव शब्द हो गए। देश शब्द तीसरा हो गया, स्रोत या इतिहास के आधार पर देश शब्द। देश हो गया देश प्लस जो, अर्थात देश में जन्मा हुआ। अतः ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति हुआ आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गई हो, देशज शब्द कहते हैं। जैसे थैला, पेट, लोटा, टांग, ठेठ आदि। चौथा हो गया देशज शब्द। विदेशज मना होता है विदेश में जन्मा। हिंदी के अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। जैसे हो गया अफसर, अफसर का अफसर हो गया, लैंड, लैंटर्न का लालटेन हो गया, कैप्टन का कप्तान इत्यादि। रचना बनावट के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद हो गए। एक तो रूढ़ रूढ़ योजक और योग रूढ़। फर्स्ट हो गया रूढ़, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल न हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चावल, चाव, धन, लो, निरर्थक खंड होंगे, इसके मतलब कोई अर्थ नहीं होगा, अलग 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 कर दिया जाता है। जैसे दिन, रात, पानी, घोड़ा, घोड़ा आदि। जिन शब्द इसमें है कि रूढ़ शब्द हो गए, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जिन शब्दों के क्या सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मिल से न बने हो, जो अन्य शब्दों के मिल से न बने हो, वो रूढ़ शब्द हो गए, शब्द कहते हैं उनको। जैसे चावल, दिन, रात, पानी आदि। दूसरा हो गया योजक शब्द। योजक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उन्हें योजक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, राजपुत्र, विद्यालय, विद्याधन, आलय, विद्या का घर, और राजपुत्र, राजा का पुत्र। योजक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है। योजक जो शब्द होते हैं उनकी रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से होते हैं। तीसरा हो गया योगरूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ विशेष अर्थ हो जाता है, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। वे शब्द जो यौगिक होते हैं परंतु जिनका अर्थ क्या होता है, रूढ़ हो जाता है, मतलब योगरूढ़ कहलाता है। जिनका अर्थ क्या होता है, विशेष होता है, यौगिक होते हुए भी ये शब्द इकाई हो जाते हैं, यानी सामान्य अर्थ न होकर प्रकट कर किसी विशेष अर्थ प्रकट करते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे हो गया जलज, मतलब जल में पैदा हुआ, कमल, लंबोदर, मैंने लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश, दस आनन, मतलब जिसके दस आनन है रावण। उसके बाद हो गया तीसरा, हो गया
रूप प्रयोग के आधार पर, रूप प्रयोग के आधार पर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वे शब्द जिनके लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें क्या होता है, लिंग जेंडर वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का गारा है, लिंग परिवर्तन करने पर लड़की गारी है, तो ये चेंज हो गया। लड़का भाग रहा है, वचन परिवर्तन होने में एक वचन का बहुवचन कहते हैं, लड़के भाग रहे हैं। लड़के के लिए आमलाओ कारक परिवर्तन हो गया है, लड़कों के लिए आमलाओ। संज्ञा विशेषण सर्वनाम एवं क्रिया शब्द विकारी शब्द हैं। उसके बाद हो गया अविकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग वचन व कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, आजकल, अब, कब, परसों, यहाँ, वहाँ, इधर उधर, क्यों, कैसे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक में पर से, पर के ऊपर, के नीचे, के आगे, से पीछे की ओर। दो समुच्चयवाचक बोधक में और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि। विस्मयादि बोधक अव्यय, आह, आहा, हा, होय, ओ, वा, राम, राम आदि हो गया विकारी शब्द। उसके बाद हो गए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक हो गया एकार्थी, एकार्थी शब्द वो हो गए जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या, संज्ञा ये शब्द इसी कोटि में आते हैं, जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा, मार्च आदि हो गया एकार्थी शब्द। उसके बाद हो गया एक अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हार मने होता है गले का, गले की माला, और पराजय, अर्थक मने हो गया प्रयोजन या धन को भी अर्थ कहते हैं। जैसे कर अपना हाथ भी बोलते हैं, टैक्स भी होता है, अनेकार्थी शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ आते हैं, एकार्थी जिनके एक ही अर्थ होता है। उसके बाद हो गया समानार्थी शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम या अंतरिक्ष। तो अर्थ के आधार पर तीसरा हो गया समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और अर्थ के आधार पर चौथा शब्द हो गया विलोम विप्रार्थी या विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। विप्रार्थी यह विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय का हो गया पराजय, रात का दिन, पुण्य का पाप, विष का अमृत। तो फ्रेंड्स, ये हो गए शब्द के भेद और हिंदी के शब्दों के ऊपर योगदान का आधार, ये हो गए चार, उनके फिर उनके भी शब्द के अलग अलग आधार हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रचना के आधार पर रूट, योगरूढ़, रूप के आधार पर विकारी, अविकारी, एकार्थी, अर्थ के आधार एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची भी कहते हैं विलोम शब्द। ये चार प्रकार भाग हो गए इसके। तो ये हो गया शब्द भेद और उनके शब्दों के वर्गीकरण के आधार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।